सच के साथ। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ ये भी मान्यता है कि जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं तो उनको भी यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है। यही वजह रही कि मोक्ष की नगरी काशी में देश के विभिन्न राज्यों से सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। मान्यता के अनुसार 21 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है जो 6 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सनातन धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अर्पण और तर्पण के साथ पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पावन कर्म है। श्राद्ध कर्म यह श्राद्ध कर्म संपन्न करने का समय है। पितृपक्ष अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन का समय पितरों का होता है। मोक्षदायिनी काशी में श्राद्ध कर्म की महत्ता का वर्णन पुराणों में उल्लिखित है। पितरों को मोक्ष गति प्राप्त हो ऐसी मनोकामना मन में लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करने लोग वाराणसी आते हैं। पितृपक्ष के प्रारंभ होते ही वाराणसी का पिशाच मोचन और गंगा घाट श्राद्ध कर्म करने वालों से पट जाता है। इस बार 16 रोज का पितृपक्ष लग रहा है। क्या खास होगा इसमें? खास क्या, 16 रोज का पितृपक्ष लग रहा है, लोग अपने पितरों का क्रिया कर रहे हैं, कोई तर्पण कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई त्रिपिंडी कर रहा है, कोई गया जा रहा है, कोई तिथि श्राद्ध कर रहा है। ये तो 16 रोज पितरों के लिए ही है। पितरपक्ष में बाल नहीं बनाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, गंदा भोजन नहीं करना चाहिए, पितरों को रोज तर्पण देना चाहिए। पहले जो भगवान को होता है, फिर जो है ऋषि का होता है, ऋषि के बाद तब पितरों को होता है। इस तरीके के तर्पण देने के बाद अमावस्या के दिन इनको पिंडदान करके ब्राह्मण को भोजन करा के गरीब दुखिया को बांट कर कुछ धर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे ज्यादा महत्व अपने पूर्वजों को जल देने का होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के शास्त्रों में श्राद्ध कर्म का वर्णन मिलता है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना और विषम परिस्थितियों में हुई मृत्यु वालों के लिए पितृपक्ष की द्वादशी के दिन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के परिजनों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है तो उनको अमावस्या के दिन इसी विधि को करना चाहिए। सापत्नी रायबरेली से आया हुआ हूँ। यहाँ पिशाच मोचन कुंड में ये प्रथा है कि जो गया जाता है प्रथम पिंडदान यही करता है जिससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। और यहाँ पे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। मैं अति प्रसन्न हूँ। जय हो विश्वनाथ बाबा काशी जी। किस तरह का पूजा पाठ हुआ, पिंडदान करते हैं, क्या होता है? यहाँ पिंडदान हुआ, मेरे पिता पितामह दादी माँ नाना नानी के पक्ष का यहाँ विधिवत पिंडदान किया गया है पिशाच मोचन में और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। सच के साथ।